थैंक्स टू एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं इस फ्लिपकार्ट से संभवतः ये पहला ऐसा इंफॉर्मेशन देने का तरीका होगा सैट के बारे में जो बिल्कुल हिंदी में उपलब्ध है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सैट क्या है। बेसिकली जब हम सैट की बात करते हैं तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं सैट वन या सैट जनरल टेस्ट या सैट रीजनिंग टेस्ट या स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट या स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, बट जनरली बोलचाल की भाषा में हम इसको सैट बोलते हैं। और इसमें बेसिकली तीन विषयों का एग्जामिनेशन लिया जाता है। जो पहला होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, जो दूसरा होता है वो इंग्लिश और एसे का होता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल 2016 से सैट वन का रूपरेखा बदल चुका है। पहले ये तीन भागों में बांटा जाता था और ये 2400 का हुआ करता था, अब ये केवल दो भागों में बांटा जाता है और ये केवल 1600 का हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरा भाग है सैट का उसको हम बोलते हैं सैट सब्जेक्ट टेस्ट। सैट सब्जेक्ट टेस्ट में 16 विषयों की परीक्षा ली जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है, अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैट का महत्व इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, हम भारतीय बच्चों के लिए सैट का महत्व क्या है। सबसे पहले इंडिया में लाखों बच्चे हैं जो हर एक साल आफ्टर ग्रेड 12 के बाद उनको एक अच्छे इंजीनियरिंग कोर्स में या बिजनेस के कोर्स में या और भी बहुत सारे कोर्स में, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बिजनेस, इन सब विषयों में एडमिशन के लिए उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने की जरूरत पड़ती है या फिर इस पूरे दुनिया के कोने कोने में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो आपको सैट के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। सैट का मतलब यहाँ सैट, तो उसके लिए आप सैट वन देते हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सैट टू देने की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको इंडिया आना पड़ता है इंजीनियरिंग के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए जिसमें डासा और CIWG स्कीम होती है। इसके अंदर 45 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं और सैट टू के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेवल टू के स्कोर के साथ वो यहाँ इंडिया में NITs और जो दूसरे अदर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सैट का एक महत्व ये। इसके अलावे दुनिया के बहुत सारे कोनों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें तरह तरह की चीज़ों को पढ़ने के लिए, अगर आप सिंगापुर की बात करें, जर्मनी की बात करें, बहुत सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटी की बात करें, बहुत सारे यूके में भी ऐसी विश्वविद्यालय हैं जो आपसे सैट वन और सैट टू का इसको डिमांड करती हैं। बट ये इस चीज़ पे वस्तुतः निर्भर करता है कि आप किस विषय में या किस स्ट्रीम में नामांकन देना चाहते हैं। अब मैं आपको सैट वन के पेपर स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि ये एग्जामिनेशन क्या है। बेसिकली सैट वन एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश का और मैथ का है, ऐसे सेक्शन है वो ऑप्शनल है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं खासकर US में वो आपसे ऐसे का भी स्कोर मांगती है और ऐसे का जो स्कोर होता है वो राइटिंग सेक्शन का ही पार्ट होता है। ऐसे क्यों? इसका कारण ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये समझती हैं कि जो बच्चे US के एजुकेशन सिस्टम में नहीं हैं तो उनकी लॉजिकल पावर को, उनके IQ को चेक करने के लिए वो ऐसे का भी स्कोर मांगते हैं। अब अगर हम सैट वन की पूरी रूपरेखा देखें तो सैट वन में जैसा मैंने बताया कि इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन जो इंग्लिश है उसमें पहले में 52 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे वाले में राइटिंग और लैंग्वेज सेक्शन जिसका ऐसे भी एक पार्ट है उसमें 44 क्वेश्चन होते हैं। अब मैथ की ओर चलते हैं। मैथ भी दो भागों में बांटा जाता है,
पहले भाग में आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते, तो इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरे भाग में जिसमें आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं इसमें 38 क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे में एक प्रॉम्प्ट होता है, मतलब ऐसे के लिए आपको कोई एक विषय, कोई एक टाइटल या टॉपिक का चुनाव दिया जाता है, आप उस पर अपना ऐसे डेवलप करके सबमिट करते हैं, तो टोटल 1600 में से आपका स्कोर दिया जाता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं सैट सब्जेक्ट टेस्ट की। इसमें जैसा कि आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में 75 क्वेश्चंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि सैट के फिजिक्स में 800 में 800 लाने के लिए आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि 75 क्वेश्चन में अगर आप 60 या 65 क्वेश्चन भी करते हैं और सही करते हैं तो आप इसमें 800 में 800 गेन कर सकते हैं, आप 10 या 15 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा, केमिस्ट्री भी 800 का होता है, एक घंटे का एग्जाम हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ या बायोलॉजी हो, तो केमिस्ट्री में 85 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए भी टाइम 1 घंटे होते हैं। तीसरा, मैथ को, मेरा मतलब सैट सब्जेक्ट टेस्ट में मैथ को 2 भागों में बांटते हैं, पहले को बोलते हैं मैथ लेवल 1, दूसरे को बोलते हैं मैथ लेवल 2। अगर आप एक भारतीय स्टूडेंट हैं और आपको NIT और CFIs में जाना है तो आपको मैथ लेवल 2 देना है, न कि मैथ लेवल 1। अब मैथ लेवल 2 में भी 50 क्वेश्चन होते हैं, टाइम 1 घंटे का होता है, ठीक है। इन तीनों स्कोर के साथ मेरा मतलब है 2400 में जो भी आपके स्कोर हो, एक परफेक्ट स्कोर हो, या 2300 या 2200 या 2000, उसके बेसिस पे आप डासा और CIWG में एडमिशन ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि इंडिया में 2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं इंजीनियरिंग के, पहला IIIT हैदराबाद और दूसरा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप सैट 1 का भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सैट की फी क्या है। एक्चुअली ये एग्जामिनेशन, चाहे वो सैट 1 हो या सैट 2 हो, इस एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था है वो US की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है और इसको बोलते हैं www.collegeboard.org। इस पे जाके आप डेट चेक कर सकते हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो आप डेट चेक कर लीजिए। ये सैट 2 या सैट सब्जेक्ट टेस्ट भारतीय बच्चों के लिए 1 साल में 6 बार उपलब्ध है, मेरा मतलब 6 डेट्स उपलब्ध है। जो भी डेट या जो भी सेंटर आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो आप उसको बुक करके अपनी सेट 2 की डेट बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा, मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले अपनी टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर बुक करते हैं वो आपके लिए अच्छी होगी। अब भारतीय बच्चों के लिए जो भारत में रहते हैं उनके लिए सैट 1 की जो फी है वो करीब $105 है, जो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये पड़ती है, और सैट 2 मेरा मतलब सैट सब्जेक्ट टेस्ट जो बच्चे भारत में लिख रहे हैं उनके लिए करीब $110। अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो सैट 1 का जो फी है वो भी करीब करीब एक ही है, बट सैट 2 के लिए हर एक सब्जेक्ट का फी $47 है और इसके साथ एक रजिस्ट्रेशन चार्ज भी होता है जिसको $39। तो ये सारी जानकारी हिंदी में हम लोगों ने इसलिए दी क्योंकि हमारे पास बहुत दिनों से लोग भारतवर्ष और मिडिल ईस्ट से भी बोलते हैं कि उनको अगर अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको हिंदी में भी करें। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप टेस्ट प्रेप कार्ड के चैनल पे जाएंगे तो सैट से संबंधित कोई भी ऐसी विषय वस्तु नहीं है जिसको हमने टच ना किया हो और जिसको छुआ नहीं। आप इस पर जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपसे भी बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई और प्रश्न है तो आप हमें 00919999001864 पे कॉल कर सकते हैं या info@testprepcard पे आप हमें अपना मेल भेज सकते हैं, हम इसका जवाब जरूर देंगे। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में सैट 1 और सैट 2 के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप इससे
रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा आपको मोस्टली अपडेटेड रखने में। धन्यवाद।